ओके सो आज हम लोग सीखेंगे किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का हम क्यूब रूट कैसे निकालें. सपोज हमारे पास एक नंबर है 39304. तो अगर हमें इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है राइट, तो बेसिकली हमें यहाँ पे करना क्या है गाइस, यहाँ पे बेसिकली कोई भी नंबर होता है ना उसे दो पार्ट में डिवाइड करो. सबसे पहले लास्ट के जो तीन डिजिट है उन्हें अलग कर लो और बचा हुआ पार्ट अलग कर लो राइट. अब बचा हुआ पार्ट जो है कितने से ये आ रहा है 39. 39 से पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब नंबर होता है, 39 से पहले 27 होता है जो इससे पहले आता है राइट. तो ये जो भी नंबर होगा उसका पहला डिजिट 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है. तो इसका जो पहला डिजिट होगा वो होगा 3. तो पहला डिजिट आ गया 3. अब हमें ये चेक करना है इसके बाद क्या आएगा. गाइस कहने से ये जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4. तो जरा ये सोचो ऐसा कौन सा नंबर होता है, ऐसा कौन सा डिजिट होता है जिसके क्यूब के एंड में 4 आता है. तो हमारे दिमाग में आया 4 क्यूब होता है 64. मतलब 4 ऐसा नंबर होता है जिसके क्यूब के एंड में फिर से 4 आता है. तो हमारा जो आंसर होगा पहला डिजिट कितना आया था 3, लास्ट वाला डिजिट आएगा सिंपली यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 4 राइट. एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे. लेट्स सी ये हमारा अगला नंबर है, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है. ओके फिर से हम लोग वही काम करेंगे जो पिछले सवाल में किया हुआ था गाइस. लास्ट के तीन डिजिट अलग कर लिए, पहला वाला पार्ट अलग कर लिया. तो 474 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है, हमारे दिमाग में आया कि ये कौन सा होता है 343 जो कि होता है 7 का क्यूब. मतलब जो हमारा पहला डिजिट आएगा इसके क्यूब रूट का इट मस्ट बी 7. अब उसके बाद हम लोग ये देखेंगे ऐसा कौन सा डिजिट होता है जिसका क्यूब 2 से एंड होता है, जिसका क्यूब के लास्ट में 2 आता है. तुरंत हम लोग ने सोचा कि 8 क्यूब जो होता है वो 512 होता है. मतलब क्या हुआ, 8 का क्यूब 2 से एंड होता है तो यहाँ 2 है मतलब क्यूब रूट में क्या आना चाहिए 8. यहाँ 2 है तो क्यूब रूट में क्या आना चाहिए 8. सो हमारा आंसर हुआ 78. एक और एग्जाम्पल देखते हैं जरा. लेट्स से नेक्स्ट नंबर हमारे पास ये है, इसका हमें क्यूब रूट निकालना. हमें ऑलरेडी पता है कि ये नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब है. फिर से हम लोग क्या करेंगे, सेम काम, लास्ट के तीन डिजिट अलग कर लो, उससे पहले वाला पार्ट अलग कर लो. फिर से 551 से पहले ऐसा कौन सा नंबर होता है जो परफेक्ट क्यूब होता है, हमें पता है 512 होता है और 512 इज़ द क्यूब ऑफ 8 राइट. तो मैं यार बोलूँगा पहला डिजिट जो आएगा इट मस्ट बी 8. और लास्ट में क्या आएगा, जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग कि ऐसा कौन सा डिजिट होता है जिसके क्यूब के एंड में 8 आता है. तो हमने ये सोचा 2 क्यूब होता है 8. तो अगर यहाँ 8 आ रहा है तो क्यूब रूट में क्या आएगा 2 आएगा. तो हमारा आंसर हुआ 82. दैट्स इट राइट. लेट्स से अगला नंबर है हमारे पास, वी नीड टू फाइंड आउट क्यूब रूट ऑफ 884736. सपोज हमें ये पता लगाना है राइट. अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, तीन डिजिट अलग निकालो 884. 884 से पहला परफेक्ट क्यूब कौन सा आता है, तो हमें ये पता है 729 आता है जो कि 9 का क्यूब होता है. तो पहला डिजिट आ गया 9. ना हमें ये देखना है यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा. तो किस डिजिट के क्यूब के एंड में 6 आता है, हमें पता है 6 के एंड में 6 आता है राइट. बेसिकली हमें ये पता है ना 6 क्यूब इज इक्वल टू 216. तो यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 6. ओके एक और एग्जांपल, सपोज हमारे पास नंबर है 1906624. ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है और हमें इसका क्यूब रूट निकालना है. फिर से हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के तीन डिजिट अलग कर लो, बचा जो पार्ट है 1906, इससे पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब आता है. तो इससे पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब आता है, हमें पता है 1728 आता है जो कि होता है 12 का क्यूब राइट. तो बेसिकली कहने से पहले स्टार्टिंग में क्या आएगा 12 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, बेसिकली ऐसा कोई नंबर आएगा जिसके क्यूब के एंड में 4 आता है. ऐसा कौन सा नंबर होता है, 4 खुद होता है, हमें पता है ना 4 क्यूब की वैल्यू 64 होती है. तो इसके जस्ट आगे 4 ऐड कर दो, हमारा आंसर हो गया 124 ठीक है. नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. तो लेट से हमें ये पता लगाना है कि क्यूब रूट ऑफ 2, दोबारा से करता हूँ मैं. तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लेट से हमें ये पता लगाना है क्यूब रूट ऑफ 21952. सपोज हमारे पास ये नंबर है,
फिर से लास्ट के तीन डिजिट अलग कर लो, बचा ये क्या 21। 21 से पहला कौन सा परफेक्ट क्यूब आता है? 8 आता है। 21 के बाद आता है 27, तो जो 8 आता है, 8 क्या होता है? 2 क्यूब। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। बाद में हम लोग ये देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर होता है, ऐसा कौन सा डिजिट होता है जिसके क्यूब के एंड में 2 आता है। हमें पता है 8, 8 के क्यूब, क्यूब ऑफ 8 इज इक्वल टू 512, राइट। तो अगर यहाँ एंड में 2 आ रहा है, मतलब उसके क्यूब रूट में क्या आएगा? इट मस्ट बी 8। सो विल जस्ट राइट हियर 8, ओके। सो दैट्स इट, आर आंसर इज 28, ओके। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट्स से हमें कैलकुलेट करना है क्यूब, लेट्स से हमें कैलकुलेट करना है क्यूब रूट ऑफ 4913, राइट। सपोज करो हमारे पास ये नंबर है 4913, राइट। फिर से हम क्या करेंगे? लास्ट के तीन डिजिट हटाओ, उससे पहले 4 है। 4 से पहले परफेक्ट क्यूब कौन सा आता है? 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, तो इससे पहले परफेक्ट क्यूब 1 आता है ना, राइट। तो सबसे पहला डिजिट हो गया हमारे पास 1, लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ पे? लास्ट में आ रहा है 3। तो ऐसा कौन सा नंबर होता है, ऐसा कौन सा डिजिट होता है जिसके क्यूब के एंड में ये आता है 3? तो हमें पता है 7 क्यूब जो होता है दैट इज इक्वल टू 343। तो अगर एंड में 3 आ रहा है तो उसके क्यूब रूट के एंड में क्या आएगा? 7। सो हमारा आंसर है 17। सो ये टेक्निक होती है। इस तरह से हम किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का हम क्यूब रूट बड़ी ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं।